मेरे लोग हैं ना मेवाड़ में वैसा कुछ शूट है अरे रोनी के हाथ में तलवार देखकर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी पर वार करने जा रही हूँ तो ये गलत है क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप के सेट पर और यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है लड़ने से लड़ रहे हैं हम लोग को तो ये सेना जो हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी और के लिए फाइट सीक्वेंस ये है अभी महायुद्ध आने वाला है 23rd से तो उसी की तैयारियां चालू है और दोनों मेवाड़ और मारवाड़ दोनों एक दूसरे के साथ जंग करने वाले हैं अब उसमें अकबर को फ़ायदा हो गया है अकबर इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगा और प्रताप को हराने की ट्राई करेगा ये बात सही है कि ये कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत बहुत दिक्कत हुई है और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है ये कैरेक्टर प्ले करने में क्योंकि यहाँ पे भारी भरकम उर्दू बोलनी है अभी खवातीन नहीं बोल सकते खवातीन बोलना पड़ेगा डिक्शन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए और बल्कि इतने बड़े शहनशाह मतलब हिंदुस्तान के शहनशाह कोई सीधी भाषा ही बोलेंगे मतलब परफेक्ट ही बोलेंगे कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू बोलनी है साथ में अकबर जो थे वो स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत अच्छे थे तो स्वॉर्ड फाइटिंग भी प्रॉपर करनी है हॉर्स राइडिंग भी प्रॉपरली करनी है सब बहुत ध्यान से काम करना पड़ रहा है आपको काफ़ी सारे तलवारबाजी भी सीखनी पड़ी होगी इसका एक्सपीरियंस कैसे रहा होगा हाँ तलवारबाजी सीखना बहुत टफ है मतलब उसमें स्टाइल सब आज तो हम थोड़ा मतलब थोड़ा स्टाइलाइज करते हैं तो उसे थोड़ा अच्छे से प्ले करना पड़ेगा बल्कि पहले कैसे होता था वो तो आइडिया नहीं है बट आज कल जो हम सीखते हैं मास्टर जी कुछ स्टाइल बनाते हैं उसमें और उस तरह से हम प्ले करते हैं हाँ जी मैं जो भी गलती करता था मुझे फैजल ने काफ़ी सपोर्ट किया है और कभी ऐसा नहीं सोचा है कि हम ऑन स्क्रीन जो मतलब एक दूसरे के कम्पीट करते रहते हैं तो ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही हो वैसा कोई माहौल नहीं है वो मुझे सभी चीज़ों में सिखाता है अगर मैं कभी कभी डायलॉग भूल जाता हूँ वो पीछे से ऐसे ऐसे मुझे प्रॉम्प्ट कर देता है तो मैं वो देख के बोल देता हूँ सबसे अच्छा कोऑर्डिनेट किसके साथ होता है यहाँ फैसल के साथ होता है रोशनी जन्नत और सभी डायरेक्टर्स हैं उनसे और काफ़ी लोग हैं जो हमारे हमारे एज ग्रुप के हैं तो उनके साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ आपको अपनी स्टडीज़ को भी हैंडल करना पड़ता होगा साथ में तो क्या बताना चाहेंगे स्टडीज़ हैंडल हो जाती है अभी करना पड़ता है साथ में हम पढ़ाई भी एडजस्ट कर लेते हैं कभी शूट भी एडजस्ट कर लेते हैं थैंक यू मोस्ट वेलकम
बैठे हैं। Thank you.
फाइनल में
अब लड़ाई जो हो रही है मारवाड़ और मेवाड़ के बीच हो रही है, जिसमें अकबर की कुछ प्लानिंग है। वो क्या प्लानिंग है अकबर जानता है अच्छी तरीके से, और हम हमारी संख्या हमारी जो हमारे सैनिकों की संख्या है बहुत कम है मारवाड़ के सामने, तो वो लोग ज़्यादा पावरफुल है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो जो हमारे गुरुवर जो हमारी हर कठिनाई में हमारी सहायता करते थे वो उनके पक्ष में है, अभी वो उन मारवाड़ की तरफ से लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा युद्ध कठिन है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें युद्ध लड़ना है। पहली बार किसी माइथोलॉजिकल सीरियल में से देखा जा रहा है कि छतरी लेकर बाइट की जा रही है। अब बारिश हो रही है तो क्या करेंगे, छतरी लेके बाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम भीग जाएंगे। तो छतरी लेके बाइट कर रहा हो। इसमें काफी सारे जो हिस्टोरिकल जो वर्ड होते हैं उसे कैसे आपको तकलीफ होती है उससे, जो संस्कृत वर्ड होते हैं जो बहुत होते हैं, अभी आदत सी हो गई है। पहले पहले होते थे स्वच्छ केंद्र बिंदु, बहुत अलग 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 वर्ड होते थे तो जबान पे आते नहीं थे, अब आदत सी हो गई है। इतने भारी कॉस्ट्यूम में और शूट करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कर अटेम्प्ट करो तो सही है। और ये जो काफी सारे गर्मी है यहाँ, अभी फिलहाल बारिश हो गई है तो पहले गर्मी थी, अब बारिश हो गई है तो अब ज्यादा बेटर है। आपने घुड़सवारी भी सीखी होगी जी, स्वॉर्ड फाइटिंग। कितने सारी तकलीफें हुई थी आपको? जब मैं आया था यहाँ पर तो हमारा शो स्टार्ट होने के बाद मई महीने में बारिश तो जल्दी आ गई थी, तो थोड़ी बहुत तकलीफें होती थी लेकिन इतनी नहीं। हम घोड़सवारी चलने के दौरान थोड़ा बहुत फिसलता था लेकिन अब नहीं, तो अब ठीक ठाक है सर। अकबर के साथ जो कोऑर्डिनेट होता है यहाँ से वो किस तरह से है? अकबर बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, जितना दुश्मन वो दिखता है स्क्रीन पर लेकिन ऐसे रियल में नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, विशाल और मैं खाना खाते हैं साथ रहते हैं। फैजल डांस एक्टिंग क्या बीच दोनों में से कौन सा, फैजल किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मतलब डांस का अलग मज़ा है एक्टिंग का अलग मज़ा है, तो दोनों ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। चलो कहाँ यार बारिश में चुके यार, इंजे बिना शोर मचा।
बोलेंगे सामने देखो, सामने देखो।